नमस्कार प्यारे बच्चों, संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1 का ई। ठीक है, हमने पिछली क्लास में हमने अभ्यास 1 का डी पूरी तरह से समाप्त कर लिया था और आज की क्लास में हम अभ्यास 1 के ई नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में ये दिया गया है कि निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। अब यहाँ पर आपके पास चार क्वेश्चन दिए गए, चारों क्वेश्चनों में बीच में बराबर का साइन आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, दोनों पार्टों का हमें सॉल्व करना है। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो कथन सत्य है, वरना असत्य है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला नंबर हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले नंबर में हम LHS पार्ट ले लेते हैं। कौन सा? LHS पार्ट। इसे सीधा सीधा हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये दो एकन्नम दो और ये हो जाएगा दो दूनी चार, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा एक बटे पाँच गुणे ये बचेगा तीन बटे दो। आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन एकन्नम तीन और पाँच दूनी दस, ये आएगा। अब हम RHS पार्ट देखेंगे। RHS ठीक है, ये माइनस से माइनस से हम काट देंगे और ये हो जाएगा दो एकन्नम दो, दो दूनी चार, बचा कितना तीन बटे दो गुणे एक बटे पाँच। आपस में इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन एकन्नम तीन और पाँच दूनी दस, दोनों के दोनों एक ही आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि LHS बराबर है RHS के, यानी ये कथन क्या है? सत्य है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं सत्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। इसमें भी सबसे पहले LHS लेंगे, LHS पार्ट। तो LHS पार्ट को सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस ये तो आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिए हर जगह पर गुणे का क्या है, निशान है, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे। दो एकन्नम दो और ये हो जाएगा पाँच तेई पंद्रह, फिर बीच में गुणे का मल्टीप्लाई का निशान है, माइनस का दो बटे सात। आपस में गुणा करेंगे तो दूनी माइनस का हो जाएगा चार और ये हो जाएगा पंद्रह सते एक सौ पाँच, यानी ये आया आपका LHS पार्ट। RHS पार्ट देखेंगे। RHS यहाँ पर माइनस से माइनस काट देंगे। ठीक है, तो ये बचेगा दो बटे तीन ये गुणा ये माइनस का दो, माइनस दो का एक में गुणा करेंगे तो माइनस का दो और ये हो जाएगा पाँच सते पैंतीस। आपस में इनका गुणा करके देखेंगे तो दो दूनी माइनस का चार, इसका गुणा करेंगे तीन पचे पंद्रह के पाँच हासिल एक, तीन त्रिक नौ एक दस। ये देखिए ये दोनों के दोनों भी आपस में बराबर हैं। अब दोनों बराबर हैं यानी कि LHS बराबर RHS, यानी ये कथन भी क्या है? सत्य है। ये कथन भी आपका सत्य है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में कहा गया तीन बटे चार और माइनस पाँच बटे सात का गुणनफल, तो पहले हम गुणनफल देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीन बटे चार गुणे, गुणनफल मतलब गुणा, माइनस पाँच बटे सात। परिमेय संख्या नहीं है। अब पहले हम आपस में गुणा करेंगे तो ये होगा तीन पचे माइनस का पंद्रह और सात चौको अट्ठाईस। अब ये बताइए ये क्या परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या होती है। इसने कहा नहीं है, इसका मतलब यह कथन क्या है? असत्य है, असत्य। ठीक है, उसके बाद लास्ट चौथा देखते हैं। LHS पार्ट यहाँ पर लेंगे। LHS पार्ट सीधे सीधे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों का LCM ले लेंगे। LCM क्या है? आठ है। यहाँ पर क्या है? बटे में हर आठ है, यहाँ पर छः है। दोनों का अगर हम LCM लेंगे तो LCM छः LCM होता क्या? ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, वह संख्या कौन सी हो सकती है? तो इसका हम LCM यहाँ पर लेके देखते हैं। आठ कामा छः,
कितने से काटेंगे, दो से, दो चौकू आठ, दो त्याई छः। बाकी तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या आ सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो दूनी चार तीन, फिर दो से काटेंगे, फिर तीन से काटेंगे, तीन से। अब देख गुणा कर लीजिए, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ त्रिक चौबीस, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, चौबीस आएगा। अब इसे हम मिट सकते हैं, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे, आपको एक काम और करना है, ये जो माइनस है इस माइनस को ऊपर लगा देना है, ठीक है। ऊपर लगाएंगे तो आठ का भाग देंगे चौबीस में, कितने बार जाएगा, तीन बार, तीन सते इक्कीस, तो ये हो जाएगा माइनस का इक्कीस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, छः चौ को चौबीस चार बार जाएगा, चार पाँच हो जाएगा बीस, और यहाँ पर गुणे का संबंध है तो ये हो जाएगा तीन बटे चार, ठीक है। इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, तीन कन्नम तीन, तीन अठे चौबीस। आगे हम और गुणा करेंगे, सॉरी जुड़ेंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ेंगे, बीस बीस चालीस एक इकतालीस, कितना आ जाएगा, इकतालीस, वो भी माइनस का इकतालीस, और बटे में हो जाएगा आठ चौको बत्तीस, तो ये हो जाएगा इकतालीस बटे बत्तीस, ठीक है। ये बत्तीस है, इकतालीस बटे बत्तीस। अब आरएचएस हम देखेंगे, आरएचएस, आरएचएस पार्ट में हम इसका आपस में गुणा कर सकते हैं, इसका आपस में गुणा कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा सात्विक इक्कीस, इक्कीस और आठ चौको बत्तीस, बस इस माइनस को हम ऊपर लगाएंगे, ठीक है। फिर बीच में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, पाँच त्याई पंद्रह और बटे में हो जाएगा चौबीस, दोनों का मिल से हम लेंगे बत्तीस और चौबीस। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा बत्तीस और ये हो जाएगा चौबीस, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दो इकन्नम दो, दो छंग बारह, ये हो जाएगा बारह, फिर दो से काटेंगे दो अठे सोलह, दो छंग बारह, और ये हो जाएगा दो चौको आठ, दो त्याई छः, फिर दो से काटेंगे दो दूनी चार तीन, फिर दो से काटेंगे उसके बाद तीन से काट देंगे, ठीक है। अब आपस में गुणा कर देंगे, देखिए दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस गुणे तीन कर देंगे, देखिए बत्तीस गुणे तीन, तीन दूनी छः, तीन त्रिक नौ, कितना हो गया छियानवे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम दोनों का आएगा छियानवे। अब बत्तीस का भाग आप छियानवे में देंगे कितनी बार जाएगा, तीन बार जाएगा, तीन का ऊपर गुणा करेंगे तो तीन इकन्नम तीन, तीन दूनी छः, किसका, माइनस का, माइनस का ये भी होगा। चौबीस का भाग देंगे छियानवे में कितनी बार में जाएगा, देखिए यहाँ पर आप देखिए चौबीस कहाँ तक में आ सकता है, तो अगर अंदाज़ा लगाएं तो छः चार चौक सोलह, चार बार में जाएगा, चार बार में, तो चार के ऊपर गुणा करेंगे पंद्रह चौको साठ हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, देखिए ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा छः छः बारह माइनस का, अब बटे में है छियानवे आपका। अब इसके आप थोड़ा सा काट लीजिए, इसे आपस में काटेंगे तीन से कटेगा, तीन चौको बारह, तीन इकन्नम तीन, तीन त्रिक नौ, तीन दूनी छः, कितना आया, आया माइनस का इकतालीस बटे में बत्तीस। ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। ये कथन भी क्या है, सत्य है, ये कथन भी क्या है, सत्य है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन जो पहला है इसके सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दो। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए, मतलब हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए तीन पार्टों में क्वेश्चन डिवाइड है, ये पहला हो गया, यहाँ पर दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एलएचएस पार्ट ले लेना है, एलएचएस
LHS पार्ट में क्या लिखा गया है, 2/7 गुणे माइनस का 11/8। ठीक है, अब जो भी संख्या काटेगी उसे हम काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब देखिए क्या बचेगा, 11 × 1 = 11, वो भी माइनस का, और 7 × 4 = 28। ये हो गया आपका LHS पार्ट। अब RHS पार्ट देखते हैं, RHS पार्ट देखें कितना, माइनस का 11/8 गुणे 2/7, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 11 × 1 माइनस का 11/7 = 28। देखिए दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, यानी LHS बराबर है RHS के। ठीक है, इसको सत्यापित करने के लिए कहा था तो हमने सत्यापित कर दिया। तो इसी प्रकार दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर भी हम लोग LHS पार्ट ले लेंगे। LHS क्या लिखा गया है, माइनस का 8/9 और गुणे 15/17, जितना भी कटेगा हम इसे काटेंगे, 3 × 9, 3 × 5 = 15, आपस में गुणा करेंगे तो 8 × 5 − 40 और 17 × 51, ये आएगा माइनस का 40/51। अब RHS पार्ट हम देखते हैं, RHS पार्ट में कितना है, 15/17 गुणे माइनस का 8/9, 3 × 9, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, गुणा करेंगे 8 × 5 − 40 और 17 × 51। ठीक है, तो देखिए ये भी LHS बराबर RHS है। लास्ट क्वेश्चन दूसरे का तीसरा नंबर देखते हैं, इसमें भी हम लोग LHS पार्ट को पहले ले लेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है, माइनस का 8/7 गुणे, ये यहाँ पर गुणे का संबंध है 1/2, यहाँ पर भी गुणे का संबंध है। ठीक है, हम चाहें तो पहले बड़े वाले कोष्टक को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको अगर डाउट हो रहा तो बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, इसको भी लगा देते हैं और माइनस का 4/3, तो ये बड़ा कोष्टक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना बचता है, माइनस का 8/7 गुणे माइनस का 2/3। अब ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 8 × 2 = 16 और 7 × 3 = 21, ये आएगा आपका LHS पार्ट। RHS पार्ट हम देखते हैं, RHS कितना है, ये वाला बड़ा कोष्टक, माइनस का 8/7 गुणे 1/2 गुणे छोटा कोष्टक 4/3, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, कितना बचेगा, यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं, तो माइनस का 4/7 गुणे माइनस का 4/3, गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 16/21, देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथनों के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। ठीक है, तो देखिए प्रगुण कौन कौन से हैं वो आपको किताब के जो एग्जाम्पल है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रगुण लग रहे हैं उनके हम नाम लिखे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले रिक्त स्थान भरेंगे, यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है, −3/7 यहाँ भी है, −3/7 यहाँ भी है, यहाँ पर 2/11 यहाँ पर 2/11 नहीं है,
तो यहां पर भरना चाहिए 2/11। ठीक है, अब देखिए ये संख्या इधर हो गई है आगे वाले में, जैसे संख्या लिखी है बस संख्या को उल्टा कर दिया गया है। अब जब संख्या उल्टा करते हैं, संख्याएं सेम है, आपस में गुणा करेंगे तो सेम आंसर आएगा। और ऐसे प्रगुण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमेय प्रगुण। गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण, ठीक है, ये नाम है इसका, ये आपका प्रगुण का नाम हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिख रहा, देखिए 2/3, इधर आपको कहीं पर दिख रहा 2/3 नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहां पर भरेंगे हम 2/3। यहां पर है 3/-2, यहां पर आपको दिख रहा 3/-2, लेकिन -11/3 नहीं दिख रहा, तो यहां पर आएगा -11/3, आपका रिक्त स्थान भर गया। ठीक है, अब यहां पर हुआ यह है कि इधर देखिए -11/3 कोष्टक के अंदर आपका 2/3 3/2 है, और यहां पर देखिए अब ये 3/2 को बाहर कर दिया गया, इसको अंदर कर लिया गया, और यहां पर केवल अंकों का फेर बदल हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह वाले प्रगुण को हम लोग क्या कहते हैं, गुणा का सहचार प्रगुण। गुणा का सहचार प्रगुण, ठीक है। अब बचता आपका ये वाला, यहां पर देखिए यहां पर 5/7 है, यहां पर -5/7 है, यहां पर 4/7 है, यहां पर भी -4/7 है, तो हमें चाहिए क्या, 2/5 यहां है, यहां पर 2/5 नहीं है, तो 2/5 यहां पर होना चाहिए। अब ये रिक्त स्थान भर खाली पड़ा है, तो यहां पर हमें क्या भरना होगा, यहां पर देखिए यहां पर हमें भरना होगा -5/7। अब ये ऐसा क्यों भरना होगा, क्योंकि यहां से देखिए अगर हम -5/7 कॉमन कर लेते हैं, मान लीजिए -5/7 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2/5, ये तो आपका चला गया, ये है आपका प्लस, ठीक है, तो हमने ये प्लस कर दिया, और -4/7 ये आपका वैसा सेम टू सेम लिखा है। अब आप देख सकते हैं पूरा आपका मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा, तो यहां पर कौन सा प्रगुण लगता है, यहां पर देखिए प्लस भी है गुणा भी है, तो यहां पर गुणा गुणा के साथ साथ गुणा का योग, यानी प्लस है तो गुणा का योग लिखेंगे, गुणा का योग वितरण, नहीं गुणा का योग वितरण, योग वितरण प्रगुण, ठीक है, ये प्रगुण आपका यहां पर लग रहा है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रिय बच्चों, इसमें कहा गया कि सरल कीजिए, चौथा क्वेश्चन है, आपको केवल इसमें 2 ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी के बीच में देखिए काय का संबंध है, गुणे का संबंध है, इसमें भी देखिए गुणे का ही संबंध है। ठीक है, तो हम लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए माइनस से ये माइनस आपका काट दीजिए, माइनस माइनस तो गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे गुणे में ही है। ठीक है, अब जो भी कटेंगे उसे हम काटेंगे, देखिए 3 × 3 ये हो जाएगा 3 × 9, 3 × 3 ये हो जाएगा 6 × 18, ये 6 × 6 आपका कट जाएगा, और ये 5 × 5, 5×5 = 10। अब बताइए आपके पास क्या बचा है, केवल और केवल 2 बचा है, तो इसका आंसर आपका केवल और केवल 2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस से माइनस इसे हम काट देंगे, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस काट देंगे। ठीक है, अब हम किसे काटेंगे, इसी को, 4 × 4, 4×5 = 20, 3 × 3 और ये हो जाएगा 3 × 9, 3 × 3 ये हो जाएगा 3 × 6। अब देखिए आपके पास और क्या बचा, ये बचा इधर 1/5 है, ठीक है, गुणे, और ये है 2/5, 2/5।
अब इसका आपस में हम गुणा करेंगे, दो इकन्नम दो और पाँच पचा पच्चीस, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की क्लास बेहद पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आपको एक बार वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को जरूर साझा करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे इसी समय तक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।